बचपन पचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी और कामरानी से जारी है। आप तमाम तलबा तालबा से गुजारिश करता हूँ कि आप इंतहाई नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुजाहरा करें। जिस वक्त यहाँ पर हमारे असातिज़ा किराम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आएंगे, आप इंतहाई दिलचस्पी के साथ और इंतहाई खामोशी के साथ उनके लेक्चर को समाप्त करें और जो भी आपके सवाल है आप उसे एक कागज पर दर्ज कर दें। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना करें, बल्कि हम पूरे जो इस सेशन के बाद एक सवाल जवाब का सेशन रखने वाले हैं उसमें आप अपने सवाल को पेश कर सकते हैं। तो आइए इस मौके पर मैं चाहूंगा कि मोहतरम मुख्तार यूसुफ साहब माइक पर तशरीफ लाए और आप जो है अपना एक्सप्लेनेशन इस इम्तिहान के ताल्लुक से जो कि 8 जनवरी को यहाँ पर यही पर इस हॉल में और अदरा के कमरों पर मुनक्किद होगा उस ताल्लुक से आपके लिए एडवाइज है। मोहतरम मुख्तार अखबार के जरिए हमने ऐलान कर दिया बारह के बाद आ चुकी है। हम जो इम्तिहान लेने वाले हैं वो किस तरह का होने वाला है, साथ ही साथ तमाम तलबा और तालबात को जो रिजर्व फॉर्म दिया गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म उससे भी लिखा हुआ है इम्तिहान के ताल्लुक से मालूम, मैं एक बार उसको दोहरा देता हूँ, उसके बाद और मजीद जो बातें वो बताऊंगा। मुकाबले में शरीक तालिबान के लिए शराय नंबर एक, नहुम जमात में पढ़ने वाले तलबा व तलबात इस तलबा तलबात ही इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर दो, मुकाबले में नहुम जमात के हिसाब और हालात हाजरा पर मबनी एम पी एस सी और यू पी एस सी के हालते पूछे जाने वाले सवाल की तजुर्बा सवाल भी है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं नवी जमात है उसी किताब पर मजदूर सवाल रहेंगे और उम्मीदवार को सही मुतबादे का इंतजाम करते हुए इसमें कैसे रहता है यूपीएससी के इसका जो इम्तिहान होता है उसमें मारूफी किस्म के सवाल होते हैं, मतलब एक सवाल है उसके चार मुतबादी जवाब दिए जाते हैं और उसमें जो सही मुतबादिल होता है उसको आंसर शीट में उस नंबर के सामने ए बी सी डी दिया रहता है दायरे में उसको भरना रहता है फुल पेन से या बॉल पेन से या स्याही वाले पेन से उसको भरना रहता है, ये उसका तरीका होता है। आपको भी इम्तिहान हाल में आंसर शीट अलग से दी जाएगी, आप सवाल पढ़िए, सवाल पढ़कर जो जवाब अल्टरनेटिव दिए हुए हैं ए बी सी डी नंबर के साथ जो सवाल नंबर रहेगा उसके साथ जो ऑल्टरनेटिव रहेगा आंसर शीट पर उसी के सामने जो खाना है ए बी सी डी जो दायरा है सर्कल है उसी को आपको भरना रहेगा, ये उसका तरीका होता है यू पी एस सी एग्जाम में और एम पी एस सी एग्जाम में। इस तहरीरी इम्तिहान में टोटल 100 मार्क्स पर मौकी 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 एक मार्क एक सवाल के लिए एक मार्क, 100 सवाल के लिए 100 दो घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 सवाल को हल करने के लिए दो घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब सवाल में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश 10 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स, साइंस में दोनों आ गया साइंस से जोड़ टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस 10 मार्क्स, मैथ्स यानी अलजेब्रा ज्योमेट्री 10 मार्क्स, उसके बाद है करंट अफेयर्स यानी हालात हाजिरा करंट अफेयर्स इसकी रहेगी 40 मार्क्स, क्योंकि इसकी जो करंट अफेयर्स है ये बहुत अहम सब्जेक्ट होता है और ज्यादातर जो सवाल होते हैं यूपीएससी एमपीएससी के हालात में तो करंट अफेयर्स पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स।
और इसके बाद जनरल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, ज़हनी आजमाइश, इसके ऊपर 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ये होगी इसकी मार्किंग, इसकी 100 मार्क्स होता है। सवाल जो रहेंगे वो 3 मीडियम कोड वालों के लिए रहेंगे, हमारे हमारे सर, जो एक तो है उर्दू मीडियम, दूसरा है सैनी इंग्लिश, और तीसरा रहेगा प्योर इंग्लिश मीडियम। उर्दू में जो पर्चा रहेगा, इंग्लिश छोड़कर सारे सवाल उर्दू में रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सारे सवाल इंग्लिश में रहेंगे, और सेमी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये सवाल इंग्लिश में रहेंगे। बाकी आपको जो उर्दू में पढ़ाया जाता है वो सवाल उर्दू में रहेंगे। इस तरह से ये स्कीम ऑफ मार्किंग है। और इसके सवाल की जो तरतीब, पहले जो क्वेश्चन रहेगा 1 से 10 तक वो इंग्लिश का रहेगा, दूसरा 11 से 20 सोशल साइंस का रहेगा, 21 से 30 जनरल साइंस का रखा गया है, 31 से 40 मैथ्स का रहेगा, 41 से 80 करंट अफेयर्स का रहेगा, और 81 से 100 जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस पर होना चाहिए रहेगा। ये होगी बातें इंटर की तारीख की। मजीद हिदायत आप लोग लिखते जाइए, याद ना रहे, याद रहे टिकट पे दिया गया है, हर टिकट पे यानी जो बातें हैं हर टिकट पे सारी सारी एग्जाम की इसकी मार्किंग आपको मिल जाएगी हर टिकट पर। उसके बाद जो हिदायत इम्तिहान हॉल के लिए, जवाब अलग से दिए गए जवाबी पर्चे में लिखना है, जवाब आपको जो मार्क करना है सही गलत उसके लिए आंसर शीट आपको अलग की जाएगी। नंबर 2, सवालिया पर्चे में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब ए बी सी डी दिए जाते हैं, आपको पढ़ना रहेगा, जो भी करेक्ट रहेगा सही रहेगा तो आंसर शीट में उसी दायरे को आपको भरना रहेगा। कोई भी काली के लोग दुख लो, कोई भी स्याही वाले के लोग बॉल पे इम्तिहान हाथ में लेकर आना, रबर पेंसिल और पेन वगैरह आपको लेकर आना रहेगा। तलबा जवाबी पर्चे में सही मुतबादिल के नंबर के दायरे को काले या नीले बॉल पेन या स्याही से पूरी तरह भर दें। आपको जो सवालिया पर्चा दिया जाएगा उस पर आपको कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद नंबर 5, तलबा पहले आसान सवाल को हल कर लें, जो सवाल ना आए उन्हें पेंसिल से निशानदेह कर लें, बाद में बच्चे के वक्त को मुश्किल सवाल हल करने में सब करें। आसान पहले कर लें, बाद में जब टाइम लेगा मुश्किल सवाल। 1 से ज्यादा जवाब, मतलब 1 से ज्यादा दायरे अगर भरे होंगे वो नाकाबिले कबूल होंगे, मतलब वो गलत रहेगा। तमाम सवाल लाजमी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हर सवाल आपको हल करना है। नंबर 9, आपको कोई कच्चा काम करना है, रफ काम करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको अलग से हम एक सप्लीमेंट देने वाले हैं, आपको अपने घर से कुछ लाने का नहीं। उम्मीदवार इम्तिहान हॉल में पेन, पेंसिल और रबर यानी शार्पनर अपने साथ लेकर आए। इम्तिहान हॉल में मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, ये तमाम चीजें लाना मना है, नहीं ला सकते। इम्तिहान हॉल में
कम से कम 30 मिनट पहले हाजिर रहे। पर्चा हमारा 9 बजे का है, आपको आधा घंटा पहले 8:30 बजे इम्तियाज हॉल में हाजिर रहना पड़ेगा। अब यहां पर स्क्रीन आपके प्रोजेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है, इस स्क्रीन के ऊपर कुछ अहम सवालों की तस्वीर की जाएगी, कुछ बातें आपको बताई जाएंगी इम्तिहान के ताल्लुक से। आमतौर से जो जहनी आजमाइश का सवाल होता है वो किस टाइप का रहेगा ये बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन जो बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे होंगे, आठवीं कितने बच्चे बैठे हैं आठवीं एग्जाम में, आठवीं में स्कॉलरशिप एग्जाम में, फिर आठवीं देखा इन बच्चों को मालूम है कि जहनी आजमाइश मेंटल एबिलिटी टेस्ट कैसे मुनाकिद किया जाता है, कैसे लिया जाता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए ये नई बात है, उसके लिए अपने असाधा से मालूमत दे। देखिए ये किताब एक है, ऐसी बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में, ये जहनी आजमाइश के लिए किताब है। अगर आप इस किस्म की किताबें खरीद कर पढ़ेंगे तो आपको जहनी आजमाइश से पूछे जाने वाले बहुत सारे सवाल के बारे में मालूमत मिलने वाली है। अब आपको स्क्रीन पे देखना है कि जो मालूमत जहनी आजमाइश में आएगी वो किस तरह की होगी। दिए गए दिए हुए तमाटो में विकृति में आने वाला आदत पहचानिए और चौकों की जगह आने वाला आदत का सही मुताबिक मुंतखिब कीजिए। यह मेरे सामने लिखा हुआ है, आप उधर देखो, मैं आगे बताता हूं आपको। पहले आपको देखना है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं देखिए आप, उसमें एक तवातुर है, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है, जो नंबर आ रहा है 0, 3, 7, 12, उसके आगे चौकोर 12 तक, 0 से 12 तक जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस से आगे चौकोर में क्या आएगा, क्या आएगा सी, इसमें देखो 1, 2, 3 दिया है ना, 1, 2, 3 दिया है ना, ये किताब में दिया है, क्योंकि आपको जो ध्यान में दिया जाएगा ए बी सी डी ये दिया जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, 3 है ना। अब कैसे आएगा मैं बताता हूं, देखिए 0 के बाद 3, 0 प्लस 3 हो गया, 3 प्लस अब एक नंबर बढ़ जाएगा 3 प्लस 4 7, अब 7 प्लस 5 कितना हुआ 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, अब अल्टरनेटिव दिया 16, 17, 18, 19, इसमें सामने 1, 2, 3 का नजर आ रहा है, पेपर में रहेगा ए बी सी डी। अब आपको आंसर शीट में देखना पड़ेगा, सवाल नंबर 1 ए बी सी, सी का जो दायरा है आपको क्या करने का भर्ण है, ये आपका राइट आंसर हो। तो ये एक तरीका होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कई नंबर कम होता है, कई नंबर बढ़ता है, कई जर्ब होता है, कई मुरब्बा है, कई ऐसे जजर मुरब्बा है, ऐसे नंबर जो है आते रहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, 10, 15, 20, 30 अब इसमें देखिए 10 के बाद 5 मिलाए तो 15, 15 में 5 मिलाए तो 20, 20 में 5 मिलाए तो क्या आएगा। अब हमारे ऑप्शन में देखिए 1, 2, 3, 4 25, 35, 40, 40 एक नंबर जो सही रहेगा तो वो आंसर शीट में सवाल नंबर 2 के सामने ए पर आपको भरना रहेगा, पूर्ण करना रहेगा। अब तीसरा देखिए
2, 7, 17, 32 जय देश 47, 52, 62 कैसे गया 52 कैसे आएगा? बोलो 2 विकेट मिला तो 7 आया, 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 कितना आया जो आप 32 में 20 मिला तो 52 कहां पर आया? 2 नंबर समझ आया? 14 देखिए 2, 6, 18, 54, 162 आगे क्या आएगा देखिए 2 और 6, 2 दिए 6, 6 और 18, 6 दिए यानी हर अदद को 3 से जब दे दिया गया है तो ऐसे ही जब हम 162 को 3 से जरूर देंगे तो क्या आएगा? तकसीम को जरूर करो 162 को चार सौ छियासी 586 386 क्या आएगा? वेरी गुड 486 क्या आएगा? ये कहां दिया हुआ है हमारा? ये एक टाइप हो गया है ना? चार नंबर 2 हाँ देखिए ना हिदायत आपको दी जाएगी पेपर के अंदर डायरेक्शन दिया रहेगा उसमें देखिए आप फिल्म और हिदायत का के दरमियान 2 नुक्ता दिया होगा फिल्म और हिदायत का के दरमियान 2 नुक्ता और उसके बाद 4 नुक्ता फिर मानामा फिर 2 नुक्ता फिर सवालिया निशान इसका मतलब ये है कि आपको निस्बत देखना है निस्बत पहले और दूसरे अल्फाज में जो निस्बत है वही निस्बत तीसरे और चौथे में मालूम करना है फिल्म एडिट करने वाले को हिदायतकार कहते हैं अब महानामा जो निकलता है मिसाला बच्चों का बाग है उमंग है बच्चों की दुनिया है उसको एडिट करने वाले को उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है एडिटर नासिर मुसन्नी कुतुब परोस एडिटर वेरी गुड यहाँ पर आएगा एडिटर एडिटर का नंबर क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन शीट के आंसर शीट के अंदर 12 फुल करना है और उसके बाद देखिए नंबर 2 चांद जमीन अतारुद और क्वेश्चन मार्क देखो इसके अंदर चांद और जमीन में क्या निस्बत है कि चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है अब अतारुद पे और बाकी 4 ऑप्शन में क्या ताल्लुक होता है सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है इसका नंबर है 480 है ना हमारा भी आंसर है इसके बाद आप तीसरा देखो एहसास जिल्द इसके बाद सवाल निशान इसके बाद है नाम वो देखिए एहसास और जिल्द में क्या तनासुब है क्या मुनासबत है कि आपको जिल्द के जरिए एहसास होता है तो इसके जरिए इस पर जो ऑप्शन दिया है उस पर किस चीज से
हमको किस चीज के लिए हमारा कौन सा आधार जो काम करता है, ना काम करती है, क्या काम करती है, आवाज की, सर्दी की, भूख की, या जायका जायका तो नहीं मैं मालूम कर बहुत सारी बातें आ जाती है। उसके बाद है वकील, वकील जो निस्बत वकील और वकील की है। आगे किया मरीज, मरीज का जो ताल्लुक है वो हकीम से आएगा, ना उस्ताद से आएगा, ना सुधार मरीज के पास, मरीज सुधार में जाता है क्या, इंजीनियर के पास जाता है क्या, सर के पास हकीम आएगा। चलिए वो इस चीज को संभाल ले रहेगा। नंबर थ्री, एक सवाल ये भी आता है, इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या दिया सवाल, सवालिया शब्द का पानी में आपको कैसा दिखाई देगा, है ना? क्या करके मुतवादिल मुतफिक कीजिए। देखिए पानी जो शब्द बनी है उसके नीचे वो पानी के ऊपर रखी हुई है, पानी नीचे है। तो आपको घर में प्रैक्टिस करो, बगैर प्रैक्टिस के नहीं हमने पाएगा, है ना? इसको देखिए सवाल में दिया, इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक है सवालिया शक्ल, एक है जवाबिया अस्कार। जवाबिया अस्कार चार है, ए बी सी डी, एक दो तीन चार, ये पांच तो चौदह है, वो पानी के ऊपर रखा हुआ है। अब पानी के नीचे वो जो दिया हुआ है उसको देखना अपने को, नंबर थ्री करेक्ट आंसर, पांच सौ चौबीस। देखिए एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिया हुआ है, यू बोलो। हाँ सर, हाँ पहला और देखो
बोलते हैं तीन नंबर चाहिए। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ आपको एक हल्की सी झलक बता रहे हैं, वरना पूरी तफसील से तमाम किसके सवाल हल करने को कई पीरियड लग जाएंगे। हम सिर्फ मामूली सी बातें आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद ये कॉलम दिया, खाना दिया, अच्छा ये जो है ना पानी वाली संख्या है 8570। आप लोग बगैर तैयारी के अगर करते ना, अब जरा सोचिए अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा? आप पहचान मार कराएंगे कि नहीं, जीत कराएंगे कि नहीं? तो एक मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी मंसूबाबंदी की जरूरत है, तो फिर तमाम चीजें हमारे लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। सर नेक्स्ट, देखिए इस टाइप के भी सवाल होते हैं, मैं सवाल करता हूं आपको देखिए। एक इशाराती जबान में BAT बैट को लफ्ज CBU ट्राई लफ्ज को USZ और टीम लफ्ज को UFBN लिखते हैं, यानी कोडवर्ड होता है, कोडवर्ड इशारे की जबान होते कोडवर्ड। तो बास्केट लफ्ज को किस तरह लिखेंगे? बास्केट लफ्ज को बोलो फर्स्ट। अच्छा ठीक है, और ट्राई करो जरा। देखिए इसमें मैं आपको पहले एक हिंट देता हूं, ये जो बैट है बी के बाद सी, यानी उसका कोड क्या है? बी का कोड सी, ए के बाद क्या आता है? बी, उसका कोड बी, टी के बाद क्या आता है? यू, उसका कोड यू। तो हर लफ्ज के बाद वाला जो लफ्ज है लेटर जो है वो उसका कोड वर्ड रहेगा। अब देखो यहां पर जब आप बास्केट का देखेंगे तो बास्केट के आगे डी के बाद सी, देखो सी, ए के बाद लिखो बी है ना, एस के बाद लिखो टी, के बाद लिखो एल, ई के बाद एफ, टी के बाद यू। जो लफ्ज बना है वो तलाश करो, ए बी सी डी है, पहला देखो तो पहला क्या किया है? देखिए अब ये आगे हम चलते हैं। एक इशाराती जबान में मेन लफ्ज को MEFNO, लफ्ज BYE को लफ्ज BCYZEF और BIT लफ्ज को BCIJTU लिखते हैं, तो टॉप लफ्ज को किस तरह लिखेंगे? अब इसमें देखिए एक के बदले में उसका कोड डबल हो रहा है, सिंगल के बदले डबल हो रहा है, एक तो वो हर्फ है पहले से लेकर और उसके बाद वाला आ रहा है। जैसे यहां पर एक एम कायम रखते हुए क्या बढ़ाया गया है? एन के बाद एन बराबर है,
तो ये उसकी तरकीब है। ई को कायम रखते हुए क्या बनाया गया है उसके आगे वाला लेटर ऐसे हम देखते हैं हम तो दूसरा दूसरा ऑप्शन अभी एक और सवाल है एक कराती जबान में स्टॉप लफ्ज को स्पॉट स्टॉप को क्या किए स्पॉट बोल्ड लफ्ज को बी टी एल ओ और साइड लफ्ज को एस ई डी टी लिखते हैं तो लीफ लफ्ज को किस तरह लिखेंगे। अब इसमें जो तरीका है देखो स्टॉप स्टॉप पहला लेटर इस उसको कायम रख के लास्ट वाले को बाद में लाया गया इसके बाद है ना उसके बाद क्या बचा टी और ओ बचा टी ओ को ओ टी कर दिया गया। ऐसे ही हमको क्या करना है लीव को पहले एल टी ए ई हाँ नंबर एल पी ए ठीक है ऐसे बहुत सारे इसके बनते हैं ऐसे पर चंद मिसालें बहुत सारे बनते हैं ये देखिए ये जितने भी सवाल आते हैं ये वर्बल क्वेश्चन है वर्बल वर्बल है जिसमें कुछ वर्ब रहता है कोई लेटर रहता है कोई लफ्ज रहता है। अब कुछ जो है ना नॉन नॉन वर्बल आते हैं नॉन वर्बल है जिसमें कोई लेटर नहीं रहता शक्ल रहती है तो आपको पहचानना है कि इसमें सवाल क्या दिया हुआ है क्या पूछा जा रहा है ये आपको समझना है। नेक्स्ट हमने वर्बल में हल किया है तरतीब से बाएं से दाएं हम आते हैं एक शक्ल बनती जा रही है तरतीब के साथ आगे जाके रुक गई है तो आगे देखिए दूसरा तीर का निशान देखिए तीर का निशान देखिए एक एक डायरेक्शन में घूम रहे हो इसमें कैसा होता है देखिए पहले एक क्लॉक वाइज घूमता है एक एंटी क्लॉक वाइज जाता है ख्याल रखिए ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है यानी भारत से इधर जा रहे हो ग्यारह तरफ जा रहे ग्यारह तरफ घास ऐसे घूम रहे हो ऐसे घूमते घूमते वो अब क्या पोजिशन है उसकी सवाल इंसान पर आएंगे तो ए बी सी डी इसमें थोड़ी गलती हो गई है तस्वीर के अंदर वो गलती आप तलाश कर लेंगे तो मतलब है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया सॉरी नीचे वाले गलती है ये सवाल सही देखो ये सवाल सही है नीचे वाले में गलती है ये सवाल देखो एक कटोरा रखा हुआ और उसके ऊपर एक दायरा है अब देखो हरकत देखो उसकी वो कायम रहते हुए एक तब्दीली क्या हुई है दायरा भर गया उसके बाद एक दो तीन चार देखो तीन चार अब ये डायरेक्शन में क्वेश्चन भर लेके क्या आएगा एक दो तीन चार ए बी सी डी अब ये जो है थोड़ी सी गलती हो गई देखो क्या गलती हुई जरा समझो जरा पहली शक्ल बदलती है दो नंबर की शक्ल में दो नंबर की शक्ल तीन नंबर की शक्ल
सर स्क्रीन पर जाकर बता रहे हैं, समझाने की कोशिश, जज्बा देखिए, खामोशी इख्तियार रखें। सवालिया बच्चे में आपको किस तरह से सही जवाब को ढूंढना है उसकी अगली मश्क यहाँ पर बता रहे हैं मुख्तार यूसुफ सर। 40 दर्जे के एंगल से वो हरकत हो रही है, और वो कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये जो दायरा है लास्ट वाला, ये कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। ग्यारह जहां लिखा जाता है वहां पर आएगा। अब अगर इस धरती पे देखा जाए तो ऑप्शन में अल्टरनेटिव में कई क्या सही जवाब आएगा इस अल्टरनेटिव में? ये जो दायरे की शक्ल है वो एंटी क्लॉक वाइज का मुख्य जा रहे हैं। वो दायरे की शक्ल कहां जाएगी? 1, 2, 3, 4 ये आएगी, 9 पर आएगी। 12 से 11 फिर 9 देखो बस वैसे लग गया ना। सवाल में तो सब ये समझाई गई है, हरकत देखो उसकी, ऐसे 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 फिर ऐसे 45 कर लिए गए दावे से हरकत हो रही है, तो ये आएगा 2 नंबर जो है 2 नंबर। इसके बाद चलो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट ऐसी कोई सर, ये जो सकल निचगी वो कैसी थी? अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको लेफ्ट टू राइट आना है, 2 सकलें दी हुई है, 2 ब्लॉक के अंदर, 2 मुरब्बे के अंदर, उसमें हरकत हो रही है, ऐसी सकल थी ऐसे हो। अब ये एम दिया हुआ है, एम ऐसे हो जाए तो कौन सा आया? अब दूसरी शक्ल देखिए, दायरे के अंदर जो शक्ल है, ये दोनों जो ताल्लुक है दायरे के अंदर, अब वो मुसलत के अंदर दायरा हो है ना। अब इसमें आएगा तीसरा जवाब है, इसमें देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पर, ये एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, ऐसे जो है ना इधर जा रहा है इधर। अब ये वहां पर जाएगा तो कैसा हो जाएगा देखते जाएंगे। हमारा आखिरी सवाल है, कहिए बताइए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे ऊपर को ये हो गया बाकी हो ये दोनों पहली दूसरी शक्ल देखो दाएं से बाएं के अलावा आप जब किताब में पढ़ेंगे तो रिश्तों से मुताल्लिक सवाल नजर है, रिश्ते, ये उसका बेटा, वो उसकी बेटी, वो उसकी माँ, इसका बाप कौन होगा। इसी तरह से घड़ी की सोचियों में ताल्लुक, कितने दावे बनेंगे, 9 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, ये समय। फिर इसके बाद
मुख्तलिफ सिमटों के बारे में एक लड़का यहाँ जमा चल रहा है, वहां जमा चल रहा है, अब वो बताइए किस सिम पे होगा या अपनी मंजिल से कितनी दूरी पर होगा या उम्र का औसत कम ज्यादा तीन बच्चों की उम्र का औसत कितना है, दो साल के बाद उम्र क्या हो जाएगी और कैलेंडर में जो सवाल होते हैं कैलेंडर इन तारीख ये सब और बहुत सारे सवाल आपको तो मिलेंगे। बहरहाल हम तमाम बातें बता नहीं सकते क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमारे दीगर जो एक्सपर्ट हजार हैं वो भी आपके सामने आने वाले हैं। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन ये तालियां इस बात की गम्मान है कि मुख्तार यूसुफ सर के जो गुज़िश्ता दो हफ्तों से लगातार मुसलसल आपके इस सेमिनार के लिए जो तैयारियां कर रहे थे और गुज़िश्ता रात में जिस तरह से उन्होंने एलईडी स्क्रीन पर जिस तरह से उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन जो करने की कोशिश की है और आपको जो एक्सप्लेन किया है इंतहाई, मैं समझता हूँ कि हमने सर को सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया था लेकिन सर ने जो है वो 15 मिनट से जायद बल्कि डबल 30 मिनट लिया और 30 मिनट से भी ज्यादा उन्होंने 40 मिनट तक जो है वो अपनी बातों को आपके सामने पेश करते रहे और तालियां इस बात की कमाल है कि यकीनन उनकी बातें आपको समझ में आई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए अगले मुकर्रर की हैसियत से मैं इस्माइल गफर सर से गुजारिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स पर अपनी बातों को तलबा तलबात के सामने रखें। बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।